हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं डबल अनबॉक्सिंग। जी हां दोस्तों, आज मैं दो पार्सल्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप में से जो लोग मेरा लास्ट वीडियो देखे थे उनको तो याद ही होगा कि एंटरटेनमेंट स्टोर की ओर से मुझे एक और पार्सल मिलने वाला था और ये रहा वो पैकेज जिसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग या बबल रैपिंग कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बस एक कार्डबोर्ड दिख रहा है। लेट मी जस्ट टेक इट आउट। जी हाँ दोस्तों, एक ही कार्डबोर्ड है एक साइड पर, एंड दैट टू स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ द बुक। मतलब इससे ज़्यादा लापरवाही आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से। खैर, बुक का कंडीशन उतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है, बट इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन यूज्ड। मतलब थोड़ा सेकेंड हैंड वाला वाइब आ रहा है इस बुक से। द इनसाइड पेजेस आर थैंकफुली इंटैक्ट, एंड यह 50% डिस्काउंट में लग रहा है कि ऐसा ही यूज प्रोडक्ट्स मिलेगा एंटरटेनमेंट स्टोर की ओर से। आई डोंट थिंक आई विल बी बाइंग अगेन फ्रॉम एंटरटेनमेंट स्टोर। ना बुक्स का कंडीशन ब्रांड न्यू है और ना ही पैकेजिंग अच्छा है इनका। सो राइट नाउ वी आर रिव्यूइंग कारवा ब्लड वॉर फिनाले, विच इज़ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कारवा ब्लड वॉर सीरीज। ये रहा कुछ ड्रॉ वैम्पायर कंटेस्ट विनर्स का एंट्रीज। और अब बारी है हेलो बुक माइंड से किया गया इस ऑर्डर का अनबॉक्सिंग का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि अच्छा पैकेजिंग किसे कहा जाता है। बाहर एक एक्सटर्नल कवर, उसके अंदर बबल रैप और उसके अंदर श्रिंक रैप, इसे कहा जाता है परफेक्ट पैकेजिंग। और पैकेजिंग काटते हुए अपना उंगली भी काट लिया हूँ, बट थैंकफुली इट्स अ स्मॉल कट। और ये रहा इनवॉइस, एंड लेट मी गिव यू गाइस अ क्लोजर लुक। और सबसे ऊपर है हेलो बुक माइंड का ये फ्री बुकमार्क। तो चलिए अब आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि इस बार मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। सबसे ऊपर है शोले गब्बर फ्रॉम ग्राफिक इंडिया। और अब बारी है इसका इनसाइड टूर का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा लग रहा है कि देर आर सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन दिस ग्राफिक नॉवल। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 शॉर्ट स्टोरीज है इसके अंदर, एंड लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। पहला स्टोरी का नाम है रामगर्स छोले, फिर ठाकुर्स वेंजेंस, फिर द बलाड ऑफ महबूबा, फिर द टॉल टेल्स ऑफ सुरमा भोपाली, उसके बाद अ गेम ऑफ कार्ड्स, फिर सांबा, हाउ मेनी मेन वेयर देयर, एंड लास्टली द इंग्लिश मैन जेलर। और गाइज, इन सातों स्टोरीज का राइटर है सौरभ महापात्र, और इन स्टोरीज में काम किया है बेसिकली तीन आर्टिस्ट ने जिनका नाम है जीवन कैंग, सौमिन पटेल और एडिसन जॉर्ज, और ये तीनों ही बहुत ही फैंटास्टिक आर्टिस्ट हैं। सो गाइज, स्टोरीज के साथ साथ आर्टिस्ट चेंज होने की वजह से आपको इस बुक के अंदर वेरियस डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स देखने के लिए मिलेगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इनमें से हर एक आर्ट स्टाइल बहुत ही शानदार है। आई मीन जस्ट फ्रॉम द विजुअल अपील आई एम लविंग दिस बुक ऑलरेडी। और ये रहा आखिरी स्टोरी, यानी कि द इंग्लिश मैन जेलर का लास्ट पेज, जिसके बाद है कुछ एक्स्ट्रास जहाँ पर आप स्केचेस देख सकते हैं, अनफिनिश्ड वर्क्स है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शोले का भी एक ग्राफिक नॉवल है जिसको मेरा ख़रीदने का मन है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अ रियली गुड डील। सो उसके बाद मैं वो ख़रीद लूँगा, एंड आई विल हैव दिस शोले सीरीज कम्प्लीट फ्रॉम ग्राफिक इंडिया। तो चलिए इनको राइट साइड में रख देते हैं, और इससे पहले जो कारवा निकाला था उसको भी साइड कर देते हैं। और इसके बाद है गाइस एक पोस्टर जो मैं इंस्टाग्राम में हेलो बुक माइन के द्वारा आयोजित किया गया एक कंटेस्ट में जीता था। सो फाइनली दे हैव सेंट इट टू मी वाया दिस ऑर्डर, एंड या इट लुक्स काइंड ऑफ कूल, लेकिन द कलर स्कीम कुड हैव बीन मच मच बेटर। आप लोगों का क्या राय है इस शर्लक होम्स और ध्रुव के पोस्टर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और इसके बाद है एक ब्रांड न्यू लेटेस्ट रिलीज कॉमिक जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन, पब्लिश्ड बाय प्रतिलिपि कॉमिक्स। तो चलिए इसको भी इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग से निकालकर आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखाया जाए। सो गाइस, मुर्दों की ट्रेन एक लगभग 70 पेजेस का कॉमिक्स है और इसका प्राइस है 160 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, बस 160 रुपए। और अभी तो इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं। सो दिस प्रूव्स कि अभी भी कम प्राइस में कॉमिक्स पब्लिश करना पॉसिबल है। लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा दोस्तों कि क्वालिटी और क्रिएटिविटी लेवल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्ट वर्क बहुत ही औसत दर्जे का है और इसमें जो लेटरिंग है वो भी काफ़ी एमेच्योरिश है। बट इसका स्टोरी के बारे में मुझे खास आइडिया नहीं, लेकिन ये पढ़ने के बाद मैं ज़रूर एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये ओवरऑल कैसा है, इज़ इट वर्थ इट और इज़ इट नॉट। सो गाइज, फिलहाल आप ये ओवरव्यू देख लीजिए। इसका बाइंडिंग वगैरह ठीक है, लेकिन पेपर क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा थिन है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना यह फट सकता है। और ये प्रतिलिपि के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया गया कुछ कॉमिक्स के एड्स हैं। सो करंट मार्केट के हिसाब से मुर्दों की ट्रेन एक काफ़ी चीप हॉरर कॉमिक है, और अगर आप इसे परचेस करके इसको ट्राई आउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। और ये प्रतिलिपि ऐप का एड है और आप इसके थ्रू ऑनलाइन कॉमिक्स पढ़ सकते हैं फॉर फ्री। सो डू गिव इट अ ट्राई। उसके बाद विमानी का कॉमिक्स का करणवीर की मोक्षा इशू 2 है शायद ये, और ये हिंदी में है। एक और सस्ता लेकिन अति सुंदर एक कॉमिक है ये, और इसका आर्ट वर्क किया है धीरज वर्मा जी ने। अभी आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ, और बहुत ही शानदार काम किया है धीरज जी ने मोक्षा के अंदर। सो यह लेट्स हैव अ स्नीक पीक। और पहला पेज से ही ये जॉ ड्रॉपिंग आर्ट वर्क और इक्वली शानदार कलरिंग। गाइज, विमानी का कॉमिक्स डिजर्व सम मोर एप्रिसिएशन। मेक नो मिस्टेक गाइज, ये कॉमिक काफी पुराना है, बट धीरज वर्मा हैज बीन अ ग्रेट आर्टिस्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रास है, सम मोर ऑफ धीरज वर्माज ऑसम पेंसिलिंग। सो यह दैट्स मोक्षा फॉर यू। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी हैव अ कॉमिक्स ऑफ एजेंट विनोद द जंगफ्राउ एनकाउंटर। एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि ये डायरेक्ट मूवी अडेप्टेशन है या फिर एजेंट विनोद का एक डिफरेंट स्टोरी है, ये तो मुझे पढ़कर ही पता चलेगा। सो फिलहाल इसे खोलकर आप लोगों को कुछ इनसाइड आर्टवर्क दिखा देता हूँ, लेकिन पहले एक साइज कंपैरिजन। सो मुर्दों की ट्रेन जो है, दैट इज़ व्हाट अ स्टैंडर्ड साइज सिंगल इशू लुक्स लाइक, और एजेंट विनोद उससे काफ़ी बड़ा है। और इसका प्राइस है 250 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपए है इसका प्राइस, लेकिन ये मुझे कुछ डिस्काउंट्स में मिला हेलो बुक माइंड से। सो इसका आर्टवर्क किया है शौमिन सुरेश पटेल, हु इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्लॉसी पेजेस में नहीं है, दिस इज़ इन प्लेन पेपर, जिसकी वजह से आर्टवर्क इतना शानदार होने के बावजूद भी निखर कर नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर होता है स्टोरी ख़त्म, जिसके बाद है ढेर सारा एक्स्ट्रास, कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन, अनफिनिश स्केचेस एंड व्हाट नॉट। सो गाइज, ओवरऑल ये लार्ज फॉर्मेट ग्राफिक नॉवल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आई विश इट वॉज इन ग्लॉसी पेजेस। बट फिलहाल इसको पढ़ने के बाद ही आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये मुझे कैसा लगा। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस अनबॉक्सिंग गाइज, एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग रियली वेल। और गाइज, आप लोगों के लिए एक मैसेज है फ्रॉम इंडियन सुपर हीरोज, नेमली याली ड्रीम क्रिएशंस का रक्षक और राज कॉमिक्स का डोगा। सो उनका मैसेज क्या है, चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ।
सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।